एक तरफ जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मिर्जापुर में एक परिवार का नया साल मातम में बदल गया। जी हां, यहां एक युवक को नए साल का जश्न मनाना इतना भारी पड़ा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को लगी तो पल भर की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल मिर्जापुर का एक युवक राकेश नए साल का जश्न मनाने अपने चचेरे भाई साला और दोस्त के साथ सिरसी फॉल गया हुआ था। सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। इस बीच राकेश सेल्फी लेने में मग्न था। वो ऊंचाई पर चढ़कर सेल्फी के लिए पोज बना ही रहा था कि इसी दौरान पैर फिसलने से वो सीधे खाई में गिर गया, जिससे वो बेहोश हो गया। ये देख साथ आए लोग चीख कर दौड़ पड़े। आनन फानन में युवक को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही परिजन रोते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां शव को देख परिजन लिपट कर रो पड़े। वो लोग पिकनिक में गए थे सर, हम लोग तो घर पर रहे थे। वो लोग पिकनिक में गए थे बनाने खाने के लिए, को ना खा कर शहर गांधी फोटो शोटो खींच रहे थे। हम तो देखे थे सर, रहे लेकिन फोटो खींच रहे थे, पता लगा सेल्फी बना रहे थे और पैर छटक गया, उससे गिर गया, दरिया में गिर गया। वहाँ पर चार लड़का गए थे सर, वहाँ पर चार लड़का गए थे, तीन लड़के मतलब वहाँ पर रहे, इसी लग देखे तब खाले उतर के गए निकाले। निकालने में उसको एक आध घंटा समय लग गया। वो लोग बोल रहे थे निकालने में समय लगा। मैं अच्छा, कौन से बांध पर गए थे ये लोग? सिरसी बांध। तो क्या बहुत ऊंचाई पर है क्या? हाथदारी है। जानकारी के मुताबिक जब ये हादसा हुआ तब युवक नशे में था। सेल्फी के दौरान वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और खाई में जा गिरा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना सतना की घटना है। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में काफी लोग सिरसी बंधा पर घूमने के लिए आए हुए थे। इन्हीं में से एक राकेश बनवासी पुत्र तोरण बनवासी निवासी हरदी बंदा थाना लालगंज भी अपने साथियों के साथ घूमने आया हुआ था। सेल्फी लेते हुए काफ़ी ऊंचाई से ये फिसल के गिर पड़ा, जिससे तो काफ़ी चोट आ गई। सूचना पर संदर पुलिस द्वारा इसको CSC लालगंज भिजवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। यही भी लोग बता रहे थे कि सड़क नशे में भी था। यह घटना एक्सीडेंटल घटना हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पुष्टि कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ नए साल के दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर में एक परिवार का नया साल मातम में बदल गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।